ये हैं पीके रोजी। आज गूगल डूडल ने पीके रोजी को सम्मानित किया है, जो मलयालम सिनेमा में पहली अभिनेत्री थी। उन्हें पर्दे पर देखते ही सिनेमा हॉल के पर्दे पर पत्थर फेंक दिए गए थे, कुर्सियां तोड़ दी गई थी और बाद में हिंसक भीड़ ने इनके घर को भी जला दिया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पीके रोजी दलित बैकग्राउंड से आती थी और हिंसा का मूल कारण उनकी जाति था। सवर्ण जातियों में गुस्सा था कि कैसे एक पिछड़ी जाति की लड़की अभिनेत्री बन सकती है और अभिनेत्री बनकर रुपहले पर्दे पर नायर जाति की महिला का किरदार निभा सकती है। स्वतंत्रता दौर के केरल में साल 1928 में जेसी डेनियल नाम के सवर्ण ईसाई ने, ये जो कि फिल्म निर्देशक थे, उन्होंने मलयालम भाषा की पहली साइलेंट फिल्म विगाथा कुमारन बनाई थी, जिसमें अन्य कलाकारों के साथ पीके रोजी को मुख्य अभिनेत्री के तौर पर साइन किया था। पीके रोजी का पूरा नाम राजम्मा था, जो पुलाया नाम की जाति से थी, जिनका पेशा नाच गाना करने के अलावा वास्तुकला बनाना भी था। मलयालम सिनेमा के इतिहास की पहली फिल्म में हीरोइन बनने के बाद पीके रोजी की जिंदगी नरक बन गई थी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही पूरा केरल उग्र हो चुका था। एक पिछड़ी जाति यानी श्रमिक वर्ग की लड़की का हीरोइन बनना लोगों को रास नहीं आ रहा था। तिरुवनंतपुरम के कैपिटल सिनेमा में फिल्म का प्रीमियर था, लेकिन हिंसा के डर से पीके रोजी फिल्म प्रीमियर में नहीं जा सकी, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उनको देखकर भड़क जाएंगे। रिलीज के बाद में हिंसा भड़क उठी और थिएटर में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद गुस्साई और नफरती भीड़ उनके घर की तरफ रवाना हो गई और जातिवादियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। पीके रोजी को अपनी जान बचाने की खातिर केरल छोड़कर तमिलनाडु में जाना पड़ा। तमिलनाडु में उन्होंने शादी की और वो वहाँ बस गई। उनके बच्चे बड़े होने तक केवल इतना जानते थे कि उनकी माँ एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। एक महिला जो कभी शानदार अभिनेत्री बन सकती थी, फिल्म इंडस्ट्री में अपने हुनर के जरिए जबरदस्त मुकाम हासिल कर सकती थी, उनके सामने उनकी जाति सबसे बड़ा पहाड़ बनकर खड़ा हो गई। फेसबुक पर क्रांति कुमार ने ये जानकारी साझा की है। आज आप गूगल पर जाएंगे तो आपको ये डूडल वहाँ दिखाई देगा, जो कि पीके रोजी के बारे में बनाया गया है। अगर वो दलित जाति से नहीं होती तो पीके रोजी अन्य अभिनेत्रियों की तरह चमकता हुआ सितारा होती, लेकिन हिंदू जातीय व्यवस्था ने उन्हें एक फिल्म के बाद वनवास में भेज दिया। उनको हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री से विदा लेना पड़ा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीके रोजी किन हालातों से गुजरी होंगी। एक शानदार महिला जिसने अपने अभिनय के दम पर यह किरदार हासिल किया और अपनी एक्टिंग के दम पर शानदार काम किया, लेकिन चूंकि वो दलित बैकग्राउंड से आती थी तो जातीय दंभ के कारण दूसरी जातियों के लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाए। यहाँ एक बात और समझने लायक है, क्योंकि पहले गाने बजाने का काम दलित जातियां ही किया करती थी और उनको अपमान की नजर से देखा जाता था। शुरुआत में जब ये फिल्म इंडस्ट्री में नाचना गाना शुरू हुआ, तब सवर्ण जातियों की लड़कियां वहां जाने से कतराती थी, क्योंकि कहा जाता था कि सभ्य घरों की लड़कियां ये सब नहीं करती। लेकिन जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में पैसा आना शुरू हुआ, चमक दमक आना शुरू हुई और करियर के तौर पर इसमें शानदार अवसर उपलब्ध हुए, तभी से हम देखते हैं कि सवर्ण जातियों की लड़कियां दमखम के साथ इस इंडस्ट्री में आई और नाचने गाने का काम भी करने लगी। यानी अब वो पेशा सम्मानीय हो गया, क्योंकि सवर्ण जातियों की लड़कियां वहां नाच गा रही थी। लेकिन जब पीके रोजी जैसी दलित बैकग्राउंड की एक हीरोइन को ये काम करने को दिया गया तो उनके खिलाफ जबरदस्त हंगामा कर दिया गया और उन्हें अपनी फिल्म करियर को ही छोड़ना पड़ा। लेकिन जिस पीके रोजी को कभी गुमनामी में धकेल दिया गया था, आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उन्हें याद कर रही है। गूगल ने जो पीके रोजी का ये शानदार डूडल बनाया है, उसके जरिए उनकी कहानी पूरी दुनिया में घूम रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।